पसंदीदा लिए चलते हैं आपको बाराबंकी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 500 साल का इंतजार, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे उनके आंसू नहीं सूखते थे, और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है, ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई, और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर पड़ा पड़ा है, इतना जहर पड़ा पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या